पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो, ये दास्तां है एक निहायत ही खूबसूरत अभिनेत्री की जिन्हें हम शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के नाम से जानते हैं। I want people to have that faith in us. So, हम लोगों ने अभी तक जो भी काम किया है, हमने अपने faith में किया है, through truth में किया है। दोनों ने नाम जो कमाया, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके कमाई है। शिल्पा शेट्टी का जन्म हुआ 8 जून सन 1975 में। ये दरअसल मैंगलोर से ताल्लुक रखती हैं। इनके पिता का नाम है सुरेंद्र शेट्टी और माँ सुनंदा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी की तरबियत मुंबई में हुई। इन्होंने सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई की। बाद में ये मुंबई के पोद्दार कॉलेज का हिस्सा बनी। ये एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम डांसर हैं। इस बात पर भी आपको हैरानी होगी कि ये अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कैप्टन हुआ करती थीं। कुछ इस तरह की बातें भी सामने आईं कि इनका असली नाम रहा अश्विनी शेट्टी, पर फिल्मों में इनका नाम हो गया शिल्पा शेट्टी। इनकी एक बहन है शमिता शेट्टी, जो एक अभिनेत्री हैं। किस तरह से इनका करियर परवान चढ़ा, यह बात भी बड़ी दिलचस्प है। अपनी 10वीं की पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने बतौर मॉडल काम शुरू किया। बहुत सारी एड फिल्म्स में ये नजर आईं और उसके बाद सन 1992 में शिल्पा शेट्टी को साइन किया गया एक फिल्म गाता रहे मेरा दिल के लिए। हैरत इस बात पर भी होती है कि ये एक लव ट्रायंगल होने वाला था जिसमें रोनित रॉय और रोहित रॉय इनके साथ थे, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज ना हो सकी। उसके बाद वो फिल्म आई जिसने बॉलीवुड का किंग खान हमें दिया। ये फिल्म रही बाजीगर। हालांकि फिल्म के पहले ही हाफ में शिल्पा शेट्टी का किरदार खत्म हो जाता है, पर इनके अभिनय ने एक गहरा असर सब पे छोड़ा। इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया। इन्होंने बहुत सी इमोशनल और एक्शन फिल्मों में काम किया, जैसे कि आग, धड़कन, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। ये सभी फिल्में बड़ी मकबूल हुई। लेकिन आप अपनी इन आंखों का क्या करेंगे? आप कह क्या रही हैं? हमारे कहने का ये मतलब है कि आपकी आंखों से साफ जाहिर है कि आप हमसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। सैफ अली खान के साथ आई फिल्म आओ प्यार करें ने भी गहरा असर छोड़ा। अक्षय कुमार के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। कई फिल्में ऐसी रहीं जो रिलीज ना हो सकीं और कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कीर्तिमान स्थापित कर गईं। That's what I'm here to do and that's what I'm going to do. शिल्पा शेट्टी का नृत्य, इनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। इन्होंने सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही नहीं बल्कि कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया, जैसे कि मिस्टर रोमियो, जिसमें इनके साथ थे मधु और प्रभु देवा। 90 के दशक की ये सबसे मशहूर हीरोइंस में से एक रहीं। I'm really happy that I've done something that I really love. फिल्म परदेसी बाबू के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। शिल्पा शेट्टी उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने सिर्फ कमर्शियल सिनेमा में ही नाम नहीं बनाया बल्कि कुछ बड़ी हटके फिल्मों में इनका अभिनय खूब चमक कर आया, जैसे कि फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो। No, I've always been very creative in my life. I think after becoming an actor, it opens a lot of avenues for you. धीरे धीरे शिल्पा शेट्टी रियलिटी शोज की तरफ बढ़ी और सेलिब्रिटी बिग ब्रदर के सीजन 5 को कौन भूल सकता है। शिल्पा शेट्टी ने विदेश में जाकर खूब नाम कमाया तो दूसरी तरफ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज ने भी इन्हें घेरा, जैसे कि हॉलीवुड के जबरदस्त अभिनेता रिचर्ड गेयर ने इन्हें गले लगाया था और इन्हें किस भी किया था। इस बात पर बड़ा हंगामा हुआ था। एक ये किस्सा भी बड़ा मशहूर रहा कि शिल्पा शेट्टी की माँ, जो कि एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखती हैं, उन्होंने शिल्पा शेट्टी की जन्मपत्री देखी और कहा कि आगे जाकर ये बहुत मशहूर हस्ती बनेगी। लेकिन ये बात शिल्पा शेट्टी को नहीं बताई गई थी। इनके पिता का ये कहना था कि पहले ये पढ़ाई पूरी करेगी, उसके बाद फिल्मों में काम करे, लेकिन इनकी माँ ने मना लिया और शिल्पा शेट्टी पढ़ाई के साथ साथ फिल्मों में भी काम करती रहीं और इनकी माँ की हुई भविष्यवाणी सही साबित हुई। झलक दिखला जा रहा कि नच बलिए शिल्पा शेट्टी बतौर जज सभी के दिलों में घर कर गईं। सिनेमा का बड़ा पर्दा और टेलीविजन का छोटा पर्दा, दोनों ही जगह इन्होंने अपनी धाक जमाई। शिल्पा शेट्टी बहुत से अभिनेत्रियों के लिए एक प्रेरणा है। मैं स्टार प्लस को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बतौर जज चुना एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने ऑडियंसेस से वापस मिल पाऊंगी। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि राज कुंद्रा से इनका विवाह हुआ सन 2009 में और उसके कुछ बरसों के बाद इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा वियान राज कुंद्रा।
तो फिर हमारा हाथ थामिए, इस अंगूठी को हमारी उंगली में पहनाइए और हमें अपना हमसफर बनाइए। यकीनन मल्टी स्टारर फिल्म्स और सोलो हीरोइन वाली फिल्मों में शिल्पा शेट्टी ने अपने अभिनय से चार चांद लगाए और एक मुख्तसर से करियर में इन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया जिसका ख्वाब बहुत सी अभिनेत्रियां बस देखती ही रह जाती हैं। Like I said, faith. That's one thing that I have. महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।